नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ जयंतिका त्रिपाठी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 65 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका पूरे देश, पूरे उनके परिवार को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और केस की पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र सरकार को कोऑपरेट करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट सुप्रीम सीबीआई को सौंपने पड़ेंगे। साथ ही ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जब ये इस केस में आगे अगर कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी जांच भी सीबीआई करेगी, वो भी सीबीआई की जांच के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सीबीआई ने जो टीम अपनी एसआईटी का गठन किया था उसका भी ऐलान कर दिया, जिसके अंदर दो डीआईजी, एक एसपी, एक एएसपी और एक जॉइंट डायरेक्टर को शामिल किया गया है। ये पांच लोग एंटी करप्शन यूनिट 6 के अधिकारी हैं। साथ ही इनकी महारत, इन्होंने कई हाई प्रोफाइल केसेस से जुड़े हैं, कई केसेस इन्होंने सॉल्व किए हैं और कई केसेस की अभी भी जांच कर रहे हैं। तो इनके बारे में, ये वो टीम है जिस पर पूरी देश की जनता को इंतजार है, हर कोई इनके जांच पर भरोसा कर रहा है, हर किसी को उम्मीद है कि ये सुशांत सिंह राजपूत को, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाएंगे। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आज मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हसनैन। हेलो हसनैन, स्वागत है हसनैन। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जो है सारी जांच की अधिकार सौंप दिए हैं। इसके बाद एसआईटी का भी ऐलान कर दिया सीबीआई ने, जो गठित किया था। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं मनोज शशिधर, जो 1994 कैडर के थे, इनके बारे में बताइए, क्योंकि जो ये टीम है इसमें माल्या केस को भी ये लोग सॉल्व कर चुके हैं, अगस्त्या वेस्टलैंड केस जो है ये लोग सॉल्व जांच कर रहे थे, ये कई हाई प्रोफाइल केसेस कॉमनवेल्थ से लेकर कई बड़े केसेस स्कैम्स जो है ये टीम जो है देख चुकी है। तो आप बताइए मनोज शशिधर के बारे में, कहाँ के रहने वाले हैं वो, उन्होंने क्या उनकी स्पेशलिटी है, कैसे केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं, सारी बातें। बिल्कुल जयंतिका, आपने जैसा बताया सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई है और ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों से मांग भी उठ रही थी सुशांत के सुसाइड के बाद ही। अगर आप देखें तो उनके परिवार वाले बहुत चुप थे कुछ दिनों तक, और बाहर के जो लोग थे वो जरूर मांग उठा रहे थे कि सीबीआई जांच कराई जाए इस मामले में। और उसके बाद फिर जब बिहार और मुंबई की पुलिस आमने सामने हुई, उसके बाद ये मामला और तूल पकड़ लिया। और उसके बाद इसमें सीबीआई ने इस पूरे मामले को देखा और सीबीआई में जो मुंबई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसके आधार पर यह कहा जा सकता था कि मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं इस पूरे सुसाइड केस को ये मान के चल रहे थे कि इसमें कोई बाहरी ज्यादा एंगल है नहीं, रिया चक्रवर्ती की बात करें या बाकी और लोगों की। हालांकि मुंबई पुलिस बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, अंततः सीबीआई को कहीं ना कहीं ये मुंबई पुलिस की हार ही कही जाएगी, क्योंकि सीबीआई संतुष्ट नहीं था, यही कारण है कि मुंबई पुलिस से केस लेकर सीबीआई को दिया गया। तो सीबीआई को जो दिया गया उसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जो बहुत ही चर्चित रहे हैं अपने कामों को लेकर, कई ऐसे केस हैं जिसको लेकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनमें पहला जो नाम आता है मनोज शशिधर का है, जो आपने पहले ही बताया संयुक्त निदेशक है सीबीआई के इस समय, और गुजरात कैडर के हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही, कहा जा सकता है कि जिस तरह इन्होंने अपने पुराने समय में काम किया है वो बहुत ही चर्चित रहा है। 1994 बैच की ये आईपीएस अधिकारी है, और वर्तमान में अगर हम इनकी बात करें तो जैसा कि हमने पहले बताया कि शशिधर सीबीआई के संयुक्त निदेशक इस समय है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें अपराध शाखा, इसके अलावा बड़ोदरा पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त, इसके साथ साथ गुजरात के 5 जिलों में पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के रूप में भी काम करने का अनुभव है, काफी अनुभवी कहे जा सकते हैं, और इसलिए इन पर भरोसा जताया गया है और इस केस को उनके हवाले किया गया है। अगर बात करें तो उन्हें इसी साल फरवरी में सीबीआई का भेजा गया था। और इसके अलावा अवैध खनन घोटाला, विजय माल्या का जो इतना चर्चित केस था, अगस्ता वेस्टलैंड की बात करें या अन्य भी जो राजनीतिक कई मामले थे उसकी इन्होंने जांच की है। और गुजरात में भी कई ऐसे हत्या के मामले थे जो इनकी निगरानी में जांच हुए थे और काफी उसका रिजल्ट निकल के आया था बहुत अच्छा। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि मनोज शशिधर से बहुत ज्यादा उम्मीदें, खासकर जो सुशांत के परिवार वाले हैं वो लगा रहे होंगे, जो उनके चाहने वाले हैं वो लगा रहे होंगे, क्योंकि
अब जब सीबीआई के पास ये केस गया है तो लोगों की जो उम्मीदें हैं इसमें इंसाफ मिलने की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अगर सुसाइड के अलावा कोई दूसरा एंगल है तो। बिल्कुल हसनैन, आपने बिल्कुल सही बोला कि सबसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस वक्त शशिधर जी से। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब सीबीआई का नाम आया था तो सबसे पहला नाम जो आया था वो था गगनदीप गंभीर का, कि सीबीआई की टीम में शामिल होंगी और बहुत ही ज्यादा इनकी जो छवि है वो एक मर्दानी ऑफिसर के रूप में है। और मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगी कि जो गगनदीप गंभीर है वो खुद बिहार की रहने वाली है, तो उनके बारे में बताइए, खुद एक महिला ऑफिसर है और बहुत ही ज्यादा, तब अगर पढ़ाई लिखाई में हमेशा से एक होशियार एक टॉपर स्टूडेंट रही है, इसके अलावा जो है इन्होंने कई बड़े केसेस, सृजन घोटाला जैसे, जिसकी अभी भी जो अभी तक कन्विक्शन पर नहीं पहुंच पाया है, कई ऐसे केसेस इनके हाथों में हैं जो जिसमें जांच चल रही है, और कई केसेस इन्होंने पहले से जो है जो ये कर रही है जांच, इसकी ये कर चुकी है और इस वक्त सीबीआई की डीआईजी भी है। तो इसके बारे में बताइए सर, गगनदीप गंभीर के बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल जयंतिका, अगर गगनदीप गंभीर की बात करें तो ये भी काफी चर्चित और मशहूर अधिकारी हैं, और इसके अलावा इन्होंने 2004 की बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, और इसके अलावा इनका भी जो कैडर है वो गुजरात की है, तो ये काफी देखने में कहा जा सकता है कि पहले हमने मनोज शशिधर की बात करी वो भी गुजरात कैडर की थी, ये भी गुजरात कैडर से ही है, और कई जिलों में ये पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभा चुकी है। इसके अलावा साल 2016 की बात करें तो सीबीआई में आई थी, और इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल मामले की जांच की टीम जो थी उसकी हिस्सा रह चुकी है। जिस तरह मनोज शशिधर की हमने बात की उसी तरह अगर गगनदीप गंभीर की बात करें तो ये भी विजय माल्या केस हो या अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो, अवैध खनन घोटाला का मामला हो, जैसे कई मामलों की जांच में रह चुकी हैं। और इसके अलावा यूपी के जो पूर्व सीएम है अखिलेश यादव के भी जांच के दायरे में थे, और उसमें भी कहीं ना कहीं जो गगनदीप गंभीर है वो जांच कर रही थी। और इसके अलावा गंभीर ने सृजन घोटाला और पत्रकार उपेंद्र राय के खिलाफ जो मामला चला था, उपेंद्र राय काफी चर्चित जो केस हुआ था, उस मामले में भी जांच कर चुके हैं गगनदीप है। हसनैन, जिस हिसाब से आपको भी पता है कि ये केस में मुख्य आरोपी जो है रिया चक्रवर्ती को भी कहा जा रहा है और जांच चल रही है, वही इस केस में दो महिला सीबीआई ऑफिसर को रखा गया है। हमने बात की गगनदीप गंभीर की, तो आगे बढ़ते हैं नुपुर प्रसाद की जो खुद बिहार की हैं, और अगर मैं इनकी छवि बताऊं तो ये सीबीआई में इनकी सुपर कॉप की एक इमेज बनी हुई है, और साथ ही इनकी महारत की बात करें अगर तो ये महिला अपराधी जो होती हैं उनसे पूछताछ करने में इनको महारत हासिल है, तो इस ये कितना ज्यादा मतलब दिलचस्प होगा इस केस के लिए, और कितना ज्यादा, क्योंकि जो नुपुर प्रसाद है ये इनको लेडी सिंघम भी कहा जाता है, और साथ ही ये किसी भी पॉलिटिशियन करप्शन से भी जो है कई जो है पॉलिटिक्स भी इनको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, करप्शन के मैटर में कई चीजों से ये दूर रही हैं और बहुत ही अच्छी सुपर कॉप की इमेज लेकर रही हैं, तो और दिल्ली की डीसीपी भी रह चुकी है, तो इनके बारे में बताइए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक तरफ होंगी तो और दूसरी तरफ दो महिला ऑफिसर्स होंगी। जयंतिका, अगर नुपुर प्रसाद की बात करें तो इससे पहले गगनदीप गंभीर की हमने बात की, उन्हीं की तरह ये काफी चर्चित हैं और बिहार से हैं, तो एक और भी कहा जा सकता है कि केस को बहुत ही क्लोज देख सकती हैं। और इसके अलावा आप सभी, आपको याद होगा जयंतिका, जब सीबीआई जांच की बात चल रही थी तो नुपुर प्रसाद का भी नाम टॉप पर था कि नुपुर प्रसाद जांच करेंगी। और इसके अलावा इनकी अगर हम बात करें तो 2007 बैच के एजीएमयूटी कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं नुपुर की, अगर हम बात करें बिहार के टिकारी सलेमपुर गांव की रहने वाली हैं, दिल्ली की आपने चर्चा की, दिल्ली के सादरा की डीएसपी रह चुकी हैं, इसके अलावा सीबीआई की सुपर कॉप के रूप में भी जाना जाता है इन्हें, तो कम समय में काफी इन्होंने नाम किया है अपने कामों से और काफी चर्चा रहती है इनकी। कई हत्या के मामलों की बात करें या ऑनलाइन वित्तीय घोटालों की जांच भी कर चुके हैं, पिछले साल इनको लाया गया था सीबीआई में। और इसके अलावा नुपुर भी उस टीम का हिस्सा रह चुकी है जिसमें अगस्ता वेस्टर्न घोटाले का मामला था या विजय माल्या जो केस था उसकी जांच में भी ये रह चुकी हैं, और इसके अलावा महिला आरोपियों से पूछताछ करने में खासकर तो इनको महारत हासिल है। तो आपने जो पहले बात की है कि चूंकि मुख्य आरोपी जो है रिया चक्रवर्ती है, महिला है एक, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो नुपुर प्रसाद की बात करें या गगनदीप गंभीर की बात करें तो ये दोनों बहुत ज्यादा कॉपरेट करके एक दूसरे को और
आरोपी से भी पूछताछ कर सकती है। और मुझे लगता है कि इसमें जो दो महिला को रखा गया, और खासकर दोनों बिहार से हैं और सुशांत का परिवार भी बिहार से था, तो बिल्कुल बिल्कुल इसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस केस को बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं इन दोनों जो महिला आईपीएस अधिकारी हैं ये हैंडल करने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल हसनैत जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि एक तरफ रिया चक्रवर्ती है जिनको, जो अभी तक ईडी के साथ कई सवालों में कॉपरेट नहीं कर रही थी, तो अब यही देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से सीबीआई की जो ये दो महिला अधिकारी और बाकी टीम है कैसे हैंडल करती है रिया चक्रवर्ती को। आगे बढ़े, अगर तुम बात करेंगे हसनैन अनिल यादव की, जो इस वक्त सीबीआई की एएसपी है, और इनके नाम भी कई बड़े घोटाले इन्होंने सॉल्व किए हैं, व्यापम घोटाला हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स का हो, तो इनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि सीबीआई ने जो टीम बनाई है वो बहुत कुछ सोच के एसआईटी का गठन किया है, और बहुत उम्मीद है जनता को इनसे। बिल्कुल, पूरे देश की निगाह इन पर टिकी हुई है। ये जो जिन अधिकारियों की हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, जो सीबीआई एसआईटी की टीम में शामिल है, जो सुशांत के केस को देखेंगे, इसमें अगले अधिकारी की अगर हम बात करें तो अनिल यादव है, जो सीबीआई में इस समय एडिशनल एसपी है। जैसा कि आपने बताया, ये कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला जो काफी चर्चित रहा था और काफी विवाद भी हुआ था इसमें सुरेश कलमारी को लेकर, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक घोटाला हुआ था व्यापम घोटाला, बिल्कुल इसको लेकर भी काफी प्रदेश में ही नहीं देश भर में इसकी चर्चा हुई थी। और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सरकार थी वहां पे शिवराज सिंह चौहान की जो इमेज थी उसको बहुत बड़ा धक्का लगा था, और कांग्रेस जो विपक्ष में थी, चाहे वो केंद्र की बात करे या राज्य की बात करे, दोनों जगह काफी हल्ला बोला था इस मामले को लेकर। और इसमें एक और भी चर्चित बात ये रही थी कि कई ऐसे गवाह थे जिनकी हत्या हो गई थी, तो इसको लेकर और भी ये ज्यादा चर्चा बटोरी थी इस घोटाले ने। इसके अलावा अगस्ता वेस्टलैंड की जैसे कि बात की हमने, एक कॉमन चीज देखा है कि जो भी अधिकारी सीबीआई की टीम में हैं उन सभी ने अगस्ता वेस्टलैंड हो या विजय माल्या का केस हो बिल्कुल, ये इसमें चारों जरूर, अधिकारी जो है दोनों केसेस में कॉमन है बिल्कुल हसन। ये अगर आप सभी। और इसके अलावा शोपिया जो बलात्कार के केस था जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था, उस जांच टीम में भी ये शामिल रहे थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमबीबीएस छात्रा नम्रता डामोर की मौत की भी जांच इन्होंने की थी। यह वही छात्रा है, आप सभी को अगर याद हो तो, जिसका शव रेलवे ट्रैक के पास से मिला था। और बिल्कुल बिल्कुल अनिल यादव की बात करें तो मूल रूप से यह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, यही कारण है कि जो व्यापम घोटाला हुआ था कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी और उस जांच टीम में वो शामिल थे। इसके अलावा सुशांत राजपूत के केस की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत अहम किरदार अपना अदा कर सकते हैं इस पूरे मामले में। और इसके अलावा एक और चीज अनिल यादव के बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उनको 2015 में गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। हसनैन, ये चीज मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो चारों अधिकारी हैं, ये अपने अपने जिस जिस भी राज्य में थे उन वहां के बड़े हाई प्रोफाइल केसेस इन्होंने देखे, उसके बाद इंडिया के हाई प्रोफाइल केसेस देखे, लेकिन पांचवा अधिकारी ऐसा है जो सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत ही अहम माना जा रहा है। जी हाँ, सुवेज हक की बात कर रही हूं मैं। ये वही सुवेज हक है जिनको सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है, और सुवेज हक से भी जो है इन्होंने भी कई सारे केसेस हैं। शीना बोरा केस जो था इन्होंने सॉल्व करवाया था, उस टीम में ही शामिल थे, तो इनके बारे में बताइए, हमारे दर्शक इनके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, सुशांत के केस में एक बहुत ही अहम अधिकारी कहे जा रहे हैं ये सुवेज हक, और काफी चर्चा हुई थी जब सीबीआई को ये जांच गई थी तो इनकी काफी चर्चा हुई थी। और फिलहाल इस समय सीबीआई में डीआईजी के पद पर तैनात है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सुवेज हक की, तो सीबीआई और मुंबई पुलिस के बीच जो नोडल अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया, तो काफी अहम रोल इसलिए है इनका क्योंकि मुंबई पुलिस अभी तक जांच कर रही थी, और मुंबई पुलिस के पास सारे सबूत या जो कागजात उन्होंने अभी तक जो उन्होंने बयान दिए हैं लोगों के, वो सारे रिपोर्ट उनके पास है, और उनसे सारी चीजें हैंड ओवर लेना और उसको समझना एक बहुत ही कहा जा सकता है कि अहम रोल होता है, और इसी रोल को निभाएंगे सुवेज हक। और इसके अलावा अगर हम बात करें इनके इनकी तो 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, और 2018 में 5 सालों के लिए सीबीआई में इनको भेजा गया है, तो ये भी अपने आप में काफी कहा जा सकता है कि जो 5 सालों के लिए सीबीआई में भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं ये काफी चर्चित और अपने कामों से सबका ध्यान आकर्षित करने वाले आईपीएस अधिकारी के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। भीमा कोरेगांव जो हिंसा हुई थी सभी को याद होगा, बहुत ही चर्चित हुआ था, बहुत काफी चर्चित विवाद है हुआ था इस मामले को लेकर।
जब ये मामला हुआ था उस समय ये एसपी पुणे ग्रामीण थे, और इस केस को किस तरह से हैंडल किया गया था वो भी आप सभी लोग जानते हैं। और इसके अलावा इनकी टीम ने ही हिंसा भड़काने वाले दक्षिण पंथी कार्यकर्ता मिलिंद एक बोटे को गिरफ्तार किया था, और इसके अलावा भी उस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, कई अन्य घायल हुए थे, इसलिए भी वो काफी उसको लेकर विवाद हुआ था। और इसके अलावा इनका एक और जो केस है जिसके बारे में आपने पहले ही बात की अपने दर्शकों को बताया, सीना बोरा जो मर्डर केस था, बिल्कुल इसमें भी इस जांच टीम में भी वे शामिल रहे थे। और इसके अलावा मुंबई के कई ऐसे केस हैं जो मुंबई पुलिस में रहते हुए इन्होंने बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की और आरोपियों को गिरफ्तार कराया। इसके अलावा एक और केस के बारे में कहा जा सकता है कि 2012 में जब रायगढ़ में एक जली हुई लाश मिली थी, तो केस का खुलासा होने पर एक जो जांच का आदेश दिया था उस समय भी इस टीम में थे और काफी उस दौरान भी चर्चा हुई थी। तो स्वेज हट का जो मेन कहा जा सकता है जो इस समय काम है, वो मुंबई पुलिस ने जिस तरह से बर्ताव किया बिहार पुलिस के साथ, उनके एक आईपीएस अधिकारी को वहां क्वारंटीन कर दिया गया, तो इन सब चीजों को देखते हुए सीबीआई ने जो हठधर्मी अपनाई थी मुंबई पुलिस ने, उसको देखते हुए जो ये नोडल अधिकारी स्वेज हक को वहां पर, क्योंकि मुंबई में काम करने का अनुभव है, महाराष्ट्र और पुणे में काम करने का अनुभव है, तो उसको देखते हुए मुंबई और मुंबई पुलिस के लिए भी काम कर चुके हैं, तो तालमेल बहुत अच्छा हो सकता है इनका और मुंबई पुलिस का। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अहम अधिकारी होंगे मुंबई पुलिस से सारे सबूत और सारे जो चीजें हैं उनसे लेने के लिए और उनसे सारी बातें समझने के लिए। और मुझे लगता है कि इन जिन अधिकारियों की हमने बात की, पूरे सीबीआई जो जांच दल में है, ये सभी सुशांत के केस को बहुत जल्द, क्योंकि देश की जनता भी चाहती है कि जल्द से जल्द क्या हुआ था सुशांत के साथ वो लोग जाने और जल्दी सामने आए, तो हो सकता है कि जो सभी अधिकारी हैं अपनी मेहनत और अपने कार्य क्षमता के मुताबिक जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाए। बिल्कुल हसन, जिस तरह से आपने बोला कि पूरी देश की जनता की नजरें टिकी हुई है इन पांच लोगों पे और बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन वही बात करें कि जब सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया गया, आज जब सीबीआई मुंबई पहुंची तो उन्होंने सुशांत के पुराने मोबाइल मोबाइल्स और लैपटॉप्स को भी मुंबई पुलिस से ले लिया है, साथ ही अब जल्द ही जो है सीन रिक्रिएट करने की भी प्लानिंग हो रही है, उनके दोस्त से महेश शेट्टी से जो है आज पूछताछ की जा रही है, और तो बिल्डिंग का सीसीटीवी भी बरामद कर लिया है सीबीआई ने। बहुत जल्दी आज एक ही दिन में काफी सारी कुछ चीजें देखने को मिली, लेकिन मैं हसनैन हमारे दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगी कि ये वही सीबीआई है जिसको 2013 में यही कोलगेट स्कैम के लिए, जो बहुत चर्चित कोलगेट स्कैम था उसके लिए, इसी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कहा था कि सीबीआई पिंजड़े में कैद तोता है। वही सीबीआई है जिसके झोली में जो जिया खान बहुत चर्चित बॉलीवुड का सुसाइड केस था, या और भी सुसाइड केस की बात करें, जो सुसाइड केस और मर्डर था वो अभी भी कन्विक्शन तक नहीं पहुंचा, चाहे वो सुनंदा पुष्कर केस हो, और अगर बात करें रिजवुर रहमान 2007 का जो केस था अशोक टोडी के, बिल्कुल वो केस था, वो भी अभी तक कन्विक्शन तक नहीं पहुंचा, कहा गया था कि उसमें अशोक टोडी को बचा रही थी सीबीआई। और साथ ही बात करूं मैं आरुषि मर्डर केस जो बहुत चर्चित था, आरुषि मर्डर और हेमराज मर्डर डबल मर्डर केस, वो भी किसी कन्विक्शन तक नहीं पहुंच पाया था इतने सारी जांच के बाद, और ऐसे कई सारे केसेस हैं जो सीबीआई के पास हैं और अभी भी वो कन्विक्शन तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो ऐसे में हसनैन ये देखना दिलचस्प होगा कि जो देश की जनता है उनकी नजरें इन पांच लोगों पर टिकी है, और ये सीबीआई की ये टीम जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में कैद तोता भी बता दिया था, वो कितनी खरी उतरती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इसी तरह से तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।